शामी कबाब, आप शामी कबाब कर लें, आप कोई भी कबाब हो, किसी किसी किस्म के भी हों, आपको एक आसान तरीन तरीका बताने लगी हूँ, इससे कोई आसान तरीका हो नहीं सकता। कभी भी अपने कबाब, शामी कबाब डायरेक्ट फ्रीज़र में मत रखें, उस पर बर्फ़ की लेयर आ जाएगी, जब आप उसे फ्राई करने लगेंगे तो छींटे उड़ेंगी और वह बहुत नरम भी पड़ जाएंगे। बेहतरीन चीज़ क्या है, आप उसे कवर करें किसी भी शीट के साथ, और अगर आपके पास शीट नहीं है तो ये देखें क्या है मेरे हाथ में, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग। ये शॉपिंग बैग की शर्त होनी चाहिए कि साफ़ सुथरा हो। इस शॉपिंग बैग को आप आराम से अपने कबाब को, अपनी जो भी ट्रे है साइज़ की, आप उसमें डालें और अच्छी तरह से आपने इन कबाबों को कवर अप कर देना है। आप कबाब जैसे कि देखें, कबाब डालें शॉपिंग बैग में, मैं डालती हूँ। साइज़ के मुताबिक आप शॉपिंग बैग ले लें, जो भी आपकी ट्रे का साइज़ है या आपकी प्लेट का साइज़ है, और अच्छी तरह से फिर इसको नोट लगा लें। गिरा लगाने के बाद आपने इसे एयर टाइट कर देना है, थोड़ी सी हवा निकाल देनी है। इसके बाद आप इसे अपने फ्रीज़र में रखें, और फ्रीज़र में रखने के बाद जब आप जब भी निकालेंगे, इस पर कोई भी लेयर बर्फ़ की नहीं होगी, और बिल्कुल आराम से आप इसे फ्राई करेंगे, इस पर छींटे भी नहीं उतरेंगी। यकीनन आपको ये मेरा हैक पसंद आएगा, इंशाल्लाह ताला इसे ज़रूर ट्राई करिएगा जी। नेक्स्ट हैक देखें, ये मेरे सामने दूध गर्म हो रहा है, और आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि मोस्टली तकरीबन 80% लोग खुला दूध इस्तेमाल करते हैं हमारे पाकिस्तान में, बट दूध कहाँ से लें, कैसा लें, दूध की हमक हमारी जान नहीं छोड़ती। दूध की हमक ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप दूध को कम से कम हल्की आंच पर मुसलसल 5 मिनट के लिए उबालें। इसके बाद जब वो उबल जाए, उबलना मतलब उबलता रहे, तो एक चीज़ आपने दूध के अंदर डालनी है, और वो है बहुत ही किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़, और वो क्या है, सब्ज़ इलायची। सिर्फ सब्ज़ इलायची, एक छोटी सी चीज़ सब्ज़ इलायची आप दूध में डालें, और दूध को फिर आप अच्छी तरह से इसको फेंटें, और इसके बाद कम से कम आपने मज़ीद 2-3 मिनट तक उबाला आने दें दूध को, और आप देखेंगे किसी किस्म की भी हमक नहीं रहेगी दूध में। बच्चे पिएं, बड़े पिएं, कोई भी पिएं, दूध में किसी किस्म की हमक नहीं होगी। वो नहीं बता सकेंगे कि दूध पहले कैसा था और अब कैसा है। अब पिए, वैसे दूध तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन मोस्टली बच्चे नहीं पीते।